नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खत्री और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में रोज नई अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि वो फिल्म रंग दे बसंती से इन्फ्लुएंस थे और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये खुलासा आरोपियों से पूछताछ और उनके सोशल मीडिया एक्टिविटी से हुआ है। जांच टीम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जिस तरह फिल्म में इंडिया गेट पर नौजवान इकट्ठा होते हैं, उसी तर्ज पर सभी ने खुद को क्रांतिकारी घोषित करने के लिए संसद की तरफ कूच किया था। यही वजह है कि क्रांतिकारी भगत सिंह फैन क्लब नाम का सोशल मीडिया पेज बनाया गया था और उससे सभी जुड़े थे। आरोपियों ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से मिली डायरी का हवाला दिया है, जिसमें लिखा है कि घर से विदा लेने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है, काश मैं माँ पिता को भी समझा पाता। आगे लिखा है कि ताकतवर वही जिसमें सुख त्यागने की क्षमता हो, मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। इन सब के बीच जांच एजेंसियों आरोपियों के उस दावे पर यकीन नहीं कर रही जिसमें उन्होंने इस घटना का मकसद मणिपुर हिंसा बताया। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली के आज की सबसे अहम खबर के साथ। आज दिल्ली की ठंड शिमला को मात देती हुई नजर आ रही है। जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोग ठिठुरने लगे हैं। न सिर्फ दिल्ली में पर दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में भी लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में अब कपकपाती ठंड शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिस वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली ने तो ठंड के मामले में शिमला को पीछे छोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार यानी कि 15 दिसंबर की सुबह दिल्ली में तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन देश भर में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 या 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यहां सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। शुक्रवार को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों की तुलना में काफी अधिक ठंड थी, जैसे शिमला जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं मसूरी के तापमान की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शुक्रवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिल्ली से अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसमें चुरू में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि जोधपुर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस था। आखिरकार कांग्रेस नेता धीरज साहू ने 7 दिन बाद अपनी छुट्टी तोड़ दी है। दरअसल धीरज साहू के यहाँ से 353 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिस पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। धीरज साहू ने कहा है कि ये रकम उनके फर्म की है, इसका लेना देना कांग्रेस या किसी पार्टी से नहीं है। ये काला धन है कि नहीं है, देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग का पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है, हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं, वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। हिसाब देखिए, हम बिजनेस आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ, मैं चूंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं राजनीति में 35 साल से हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी आपको जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। और मैंने दे दी, जो भी जानकारी देना था दे दिया, और आगे जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार। अब ये इनकम टैक्स का छापा है, अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिल्ली में श्री राम हनुमान संवाद का आयोजन किया गया है, जो वजह से रूट्स काफी डाइवर्ट किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं बताते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम शक्ति केंद्र की ओर से श्री राम हनुमान संवाद कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा सुबह 9 बजे श्री राम मंदिर सूरजमल विहार से निकलकर दोपहर 12 बजे DDA ग्राउंड नंबर 8A CBD शाहदरा में समाप्त होगी। CBD ग्राउंड कड़कड़डूमा में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम द्वारा श्री राम हनुमान संवाद कथा का आयोजन किया जाएगा। इस कारण ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है।
सीबीडी ग्राउंड कड़कड़डूमा में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम द्वारा जिस संवाद का आयोजन किया गया है उसको लेकर क्या चेंजेस किए गए हैं ये भी जान लीजिए। महाराजा सूरजमल रोड, महाराणा प्रताप चौक, बाहुबली पार्क रोड, कैवेंचर मार्केट, मास्टर सोमनाथ मार्ग से सीबीडी ग्राउंड तक का क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा। श्री राम हनुमान संवाद के मद्देनजर डीडीए ग्राउंड नंबर 8A सीबीडी शाहजहा दिल्ली कड़कड़डूमा रेड लाइट से सत्यम चौक महाराजा सूरजमल रोड विवेक विहार दिल्ली तक यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वैकल्पिक सड़कें जो आपके लिए उपलब्ध हो सकती हैं वो वाल्मीकि मार्ग का उपयोग कर कड़कड़डूमा रेड लाइट से वाल्मीकि मार्ग गुरुद्वारा रोड चौराहे तक और उसके बाद गुरुद्वारा रोड से महाराजा सूरजमल रोड विवेक विहार दिल्ली पर सत्यम चौक तक किया जाएगा। जो सुझाए गए मार्ग है वो है वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि कड़कड़डूमा रेड लाइट से वाल्मीकि मार्ग गुरुद्वारा रोड चौराहे तक वाल्मीकि मार्ग के माध्यम से वैकल्पिक मार्गों का पालन करें और उसके बाद गुरुद्वारा रोड से महाराजा सूरजमल रोड विवेक विहार दिल्ली पर सत्यम चौक तक जाएं। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा शपथ लेते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। भजन लाल शर्मा ने पेपर लीक मामले में एसआईटी गठन करने का फैसला किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा है भविष्य में पेपर लीक की घटना नहीं हो इसलिए ये फैसला लिया गया है। इस मामले में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके साथ ही संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। भजन लाल शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि औरतों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में काम किया है लेकिन हमने राजस्थान में औरत और बाल पर अत्याचार देखा है। हमारी सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के अर्जी पर एक पूर्व आईपीएस को सजा दी गई है उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। जी संपत कुमार 2013 में तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी ऑफिसर थे। उन्होंने आईपीएल सट्टेबाजी केस की शुरुआत की जाँच की थी और इसमें धोनी का नाम भी शामिल किया गया था। इसके बाद धोनी ने संपत और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया था। ये खबर अहम इसलिए है क्योंकि आईपीएल के सीजन 6 में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने मुंबई से पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एस श्रीसंत सहित राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया। बाद में इस मामले में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन की गिरफ्तारी हुई। मैयप्पन उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल थे। जांच के बाद सीएसके को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। हालांकि इस केस में कहीं भी धोनी का नाम सामने नहीं आया था। तो ये थी दिन भर की अहम खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदय।